सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर भारत में इस समय शीतलहर का प्रकोप जारी है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में सर्दी कहर आ रही है। आपको बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश में ठंड का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पर सवाल सर्दी का नहीं बल्कि इस सर्दी में लोगों को बचाने के लिए सरकार की व्यवस्थाओं का है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार हर वर्ग के लिए काम करने का बीड़ा उठाए हुए है, लेकिन सरकार के कुछ अफसर उसकी योजनाओं पर पलीता लगाते दिख रहे हैं। ऐसे में हमारी संवाददाता ने जमीन पर उतर कर सरकार के रैन बसेरे और अलाव जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं की जाँच की है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उमा जी, क्या सरकार की तरफ से अलाव की व्यवस्थाएं या कुछ कंबल ऐसे वितरण हुआ है? कुछ नहीं हुआ मैडम, ना कंबल वितरण हुआ है, ना अलाव के लिए कोई लकड़ी आई हुई है। जैसे कि कंबल वितरण कुछ ऐसी व्यवस्था इस ठंड में हुआ है? कुछ नहीं मिला, खाली कूड़ा जला रहे हैं। आपकी तरफ से कुछ अलाव या कंबल ऐसे कुछ वितरण हुआ है आप लोग को? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग अपनी तरफ से आग जला के बैठे हुए हैं। हमें मैम ठंडी तो ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई लकड़ी की कोई व्यवस्था? जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है, ना को कुछ रजाई, ना कम्बल, ना कुछ लकड़ी, ना राशन पानी मिलता है कि गरीब आदमी पड़े हुए रोड पे, तो कुछ तो खाने पीने का व्यवस्था होना चाहिए। ये सरकार की तरफ से आपको कोई व्यवस्था ऐसा नहीं मिला है? नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं व्यवस्था मिला। 8-10 पुलिस वाले आए थे यहाँ पे, हम किसी भी तरह गुजारा कर रहे हैं, यहाँ से भी भगा रहे थे वो लोग। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के सड़कों पे। आप सभी भी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कड़ाके की ठंड, कोहरा और धुंध की वजह से पूरा भारतवर्ष के जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। लोग घरों से निकलना जो है वो उनका दुर्भर हो गया है, घर से निकलने के लिए वो उनको सोचना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग के जानकारी के अनुसार जो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुआ है उसके बाद उत्तर भारत जो है ठंड की चपेट में दिख रहा है। उसको देखते हुए प्राइम टीवी की टीम जो है सड़कों पर निकल चुकी है और जान रही है कि जो योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, आम जनजीवन और रैन बसेरों के लिए और वहीं अलाव के लिए क्या व्यवस्था किया है और जो उनके जो जनजीवन है उनके लिए योगी सरकार किस तरह से व्यवस्था इस कड़ाके की ठंड में किए हैं, तो आइए जानते हैं लखनऊ के जनता से। मुझे क्या सरकार की तरफ से अलाव की व्यवस्थाएं या कुछ कंबल ऐसे वितरण हुआ है? कुछ नहीं हुआ मैडम, ना कंबल वितरण हुआ है, ना अलाव के लिए कोई लकड़ी आई हुई है। तो फिर आप लोग कैसे इस ठंड में अपनी बचाव कर रहे हैं? अब आप लोग कैसे कर रहे हैं? हम लोग जैसे मान चलो ऊपर वाला आप जिया रहा हो, इसे जी रहे हैं, सरकार से तो निवेदन कर रहे हैं कि लकड़ी गिरवाई जाए भाई, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था हुई है? अभी तो कुछ नहीं। अच्छा, देख रहे हो हम लोग ताप रहे हैं, बस यही है, ठंड ज्यादा बढ़ रही है और कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अम्बल कम्बल हो तो बोलो, कम से कम कम्बल उम्बल कुछ वितरण हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अरे लाल बोलो, क्यों नहीं? आप क्या कहना चाहेंगे दादा, क्या कुछ अलाव उलाव की व्यवस्था हुई? अरे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। लकड़ी खरीद के लाया जाता है, गरीब आदमी को जो है तपावा जाता है। अच्छा, और तो यहाँ कुछ नहीं है। और कुछ कम्बल उम्बल कुछ भी कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है। तो आपने देखा यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम गरीब लोग हैं और अपने पैसे से जो अलाव खरीद के यहाँ पे अपने ठंड से बचाव कर रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था हम लोग को नहीं मिल रही है। सर आपका नाम? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या आपको सरकार की तरफ से अलाव या जैसे कि कंबल वितरण कुछ ऐसी व्यवस्था इस ठंड में हुआ है? कुछ नहीं मिला, खाली कूड़ा जला रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ प्लास्टिक जला रहे हैं, कूड़ा जला, तो कितना नुकसान होगा? तो क्या आपके पास ऐसा अलाव लेने के लिए चाहे ऐसी अपनी व्यवस्था लेने के कुछ ऐसा इंतजाम नहीं कर सकते? कोई नहीं इंतजाम हो पाया, क्या करें? अच्छा, कोई इंतजाम ही नहीं हुआ। तो आप लोग ठंड से कैसे बचाव कर रहे हैं? यही ये बस कूड़ा जला के गंदा कपड़ा पहन के काम चलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपनी बचाव कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में? मैं बात ये आग का सहारा है। अच्छा, सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुआ है? नहीं, और लोगों को मिली है वो बात अलग है, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिली हुई है, कोई अलाव उलाव की व्यवस्था नहीं हुई? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। कम्बल कुछ नहीं हुआ जी, नहीं। और आप लोग ये प्लास्टिक और कूड़े जला के अपनी जो
अब कड़ाके से बचाव कर रहे हैं प्लास्टिक और कूड़े से की तरफ से कुछ अलाव या कंबल ऐसे कुछ वितरण हुआ है आप लोग को? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग अपनी तरफ से आग जला के बैठे हुए हैं। हमें सरकार तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा ठंडी में। अच्छा। ना लकड़ी मिल रही है, ना कंबल उम्बल वगैरह कुछ भी नहीं मिला है यहाँ पे। रात के समय आप लोग कहाँ सोते हैं? कुछ ऐसी व्यवस्था हो अपने सरकार किए हैं कुछ आप लोग के लिए? नहीं तो सरकार कोई व्यवस्था नहीं किया, लेकिन अपने घर में जाके सोते हैं हम लोग। हमारा लोगों का घर निजी है, उसी में जाके सोते हैं। सरकार की तरफ से अलाव या कुछ ऐसे कम्बल उम्बल का कुछ वितरण हुआ? नहीं मिला। कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे? एक दिन मिला है कम्बल। कम्बल मिला है? हाँ, एक दिन। एक दिन मिला है कम्बल। हाँ। अच्छा, और ये अलाव की कुछ अलाव कुछ वितरण हुआ है? आप कुछ नहीं। अच्छा, आपको आप बोलना चाहेंगे? मैम ठंडी तो ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था। और कंबल? कंबल तो इधर किसी ने नहीं बांटा। तो आप ये ठंड में कड़ाके की ठंड में कैसी अपना ये बचाव कर रहे हैं? अब चल रही है मैम, ड्यूटी भी चल रही है साथ में, और वहीं प्लाई और लकड़ी का काम होता है, वहीं से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ले आते हैं, उसी से ताप लेते हैं। अपने से आप लोग? जी, व्यवस्था। आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी लकड़ी तापते हैं। कुछ सरकार की तरफ से तो ऐसे आया है आदेश की अलाव और उनको ये कंबल का वितरण किया जाए? नहीं नहीं, अभी यहाँ कुछ नहीं मिला है। कुछ व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? लकड़ी लाते हैं हम लोग, जलाते हैं यहाँ पर। हाँ। ये बनाते खाते हम लोग। बाहर ही लेटा जाता है? बाहर ही लेटते हैं हम लोग। बाहर कुछ रहने का व्यवस्था कोई भी? कुछ भी नहीं। कोई भी अभी सरकार? रात के समय कहाँ बिताते हैं? यही बिताते हैं हम लोग। अच्छा, रोड पे? और कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है? कुछ भी नहीं मिला मेरे को। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कुला अपना लकड़ी जलाते हैं। अच्छा, और यहीं पे ठेलिया लगा के रहने की व्यवस्था सरकार की तरफ से कुछ हुआ है? कुछ नहीं। अच्छा, रात के समय आप लोग ठंड में कड़ाके की ठंड में कुछ ऐसा कंबल ऐसा कुछ वितरण हुआ है सरकार की तरफ? कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं मिला मैम, यही लकड़ी जलाते हैं, यही बनाते खाते हैं। हाँ। यही रहते हैं रात के समय भी? यही रात के समय यहीं पे पल्ले उल्ले तान लेते हैं, ट्राली पे यही लेटे रहते हैं। लकड़ी वकड़ी कोई नहीं मिले, ना सरकार तरफ से कोई कम्बल उम्बल मिला। कुछ कम्बल आपको वितरण नहीं? खास तौर पर क्या कहना है कि हम अपने दस से यहाँ पे पूरी रात गुजारते हैं और अपने से पास से हम लोग लकड़ियाँ लाते हैं और पूरी रात यही अपना बसेरा करते हैं, यही अपना इस ठंड कड़ाके की ठंड में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से ना कोई अलाव की व्यवस्था हुई है और ना कहीं हमको कंबल मिला है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये जो नाकामयाबी देखने को मिल रही है, जो यहाँ के जो रैन बसेरा हैं उन्हें रहने की भी रात में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो साफ तौर पर से दिख रहा है कि योगी सरकार की यहाँ पे कोई ना कोई नाकामी दिख रही है। बताइए, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हुआ है? जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है, ना को कुछ रजाई, ना कम्बल, ना कुछ लकड़ी, ना कुछ। कड़ाके की ठंड में कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं? बस आग लगा करके ज्यादा सिलाई कर रहे हैं। अलाव कहाँ से व्यवस्था करती हैं आप? हम यहीं से अकबर नगर में रहते हैं, शक्ति नगर में काम करते हैं, यहीं सिलाई का। अच्छा, आपने से आप और रहने रात में रहने की व्यवस्था कैसा हुआ है, किस तरह प्रकार? ऐसे ही है, टीन उन पड़ी है, छपरा पड़ा है, वही में गुजर करते हैं कम्बल ओढ़ करके। आप देख सकते हैं किस तरह से जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपने बचाव के लिए एक सूटकेस के ऊपर बैठे हुए हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुआ है और हम अपने ठंड में जो ये रोड पे ही अपना व्यवस्था एक रैन बसोरे की तरह कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से हमें ना कोई कंबल का वितरण हुआ है, ना अलाव का वितरण हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अपने बचाव के लिए किस प्रकार से एक सूटकेस के ऊपर बैठकर अपना ये ठंडी का गुजारा कर रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि साफ तौर पे योगी सरकार की कहीं ना कमयाबी दिख रही है और रैन बसोरे के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पे साफ तौर पे नहीं दिख रहा है। अम्मा बताइए, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हुआ है अलाव के, कोई कंबल वितरण या आपके रहने की कोई व्यवस्था हुआ है? कोई ना कंबल मिला है, ना और तट्टी की भी बड़ी दिक्कत मुसीबत होती है बिटिया। आपको कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है ठंडी? हाँ, कोई ठंडी में। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई कुछ, हम साहब विकलांग, कुछ मिलता नहीं है यहाँ कम्बल बिस्तर, न लकड़ी, न कुछ। तीन तीन चार चार बच्चे हम लोग, पता नहीं कैसे कैसे जी आते हैं। रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं है? कम्बल उम्बल कुछ मिला है? कुछ नहीं, न रहने को कोई व्यवस्था है, न कुछ मिलता है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? यही हम भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई सुविधा हम लोगों को नहीं मिलती, ना राशन पानी मिलता है, कि गरीब आदमी पड़े हुए रोड पे, तो कुछ तो खाने पीने का व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा। कम्बल सारी इधर उधर बांट देते हैं, हम लोग यहीं पे बैठे रह जाते हैं, एक ही नहीं कम्बल चदरा मिलता है, दुपट्टा ओढ़ के हम लोग बैठे हुए हैं। बच्चों की संध्यारे में रखे हुए हैं, झोपड़ी में देख। अच्छा, लो लाइट बिजली भी आपके यहाँ नहीं है? लाइट बिजली भी नहीं है।
रहने की कोई व्यवस्था है? रहने की क्या, झोपड़ी है, सब इसी में रहते हैं। यही है हम लोगों के पास व्यवस्था। आप क्या कहना चाहेंगे? पानी भी गिरता है, वो भी भर जाता है, घर में नाले में भर जाता है। रहने की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं? सरकार की तरफ से नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी ठंडाते हैं, भीगता रहते हैं, भीग जाते हैं। अगर ये लकड़ी बीन के ना लाए हम लोग तो तापने को भी नहीं हम लोगों को मिलता है। क्या सरकार जो है चौराहे चौराहे पे लकड़ी गिरा सकती है तो क्या हम लोगों के पास नहीं गिरा सकते हैं? है? कि हाँ आपका भी तो बच्चे नाने नाने हैं, आप लोग भी तो बैठे हुई हो जाड़े में होश में, तो ताप लो कम से कम, ये भी नहीं करते हैं। क्या सुविधा मिलती? कोई सुविधा नहीं है। तो आपने देखा यहाँ के जो रैन बसेरे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ना बिजली लाइट इनके यहाँ, ना रहने की व्यवस्था, जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार जब चौराहे चौराहे पे अलाव की व्यवस्था कर सकती है तो हम लोग को क्यों नहीं ये सुविधा मिल सकती है। साफ तौर पर उनको यही कहना है कि सरकार की तरफ से अभी तक हमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिली है। आइए और भी यहाँ के जो रैन जो बसेरा हैं उनसे भी बात करते हैं। सड़क पर ऐसे रैन बसेरा अपने से चुन चुन के जो लकड़ी ला रहे हैं उनसे अपना गुजारा कर रहे हैं और अपने बच्चों को अपने, अब देख सकते हैं किस तरह से छोटे बच्चे जो बैठ के इस ठंड में बिना किसी, इस कड़ाके की ठंड में बिना किसी कंबल और स्वेटर के बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से अपने ठंड में बचाव कर रही हैं। अम्मा किस प्रकार से ठंड में बचाव कर रही हैं? कहाँ से आप लाल? कहाँ, यही आगे ताप ताप के बैठे रहते, न को माल सौदा बिकता, न कुछ बिकता है बेटा, भूखे प्यास से। ये जो कंबल आप ओढ़ी है कहाँ से? सरकार की तरफ से मिला है ऐसे दे गए? कोई पब्लिक दे गया सरकार तरफ से? नहीं, पब्लिक कोई दे, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिला? नहीं मिला बेटा हम लोगों को, न कहीं कॉलोनी, न कहीं कोई आसरा, न सहारा। रात में आपको रहने की व्यवस्था कहाँ? बस बेटा इसी झोपड़ी में, न पलप है, न बत्ती है, कुछ नाला है पीछे, और कहो तो नाले में गिर जाए, बच्चे गिर जाते, हम लोग ऐसे बैठे रहते, पानी बूंद गिरता, भीगते रहते, क्या कहाँ चले। आप क्या कहना चाहेंगी? आप क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? कुछ सरकार की तरफ से अलाव या कंबल कुछ मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। अच्छा, रहने की व्यवस्था कुछ ऐसा हुआ? बस यही है झोपड़ पट्टी, और क्या है, झोपड़ पट्टी में गुजारा करते हैं। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ के जो जन जो आप रैन बसेरे, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिलता है। हमारे बच्चे जो हैं इसी झोपड़ी पट्टी में रह के इस ठंड में रह रहे हैं और कोई हमें कंबल की ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो समाज सेवा कुछ लोग होते हैं जो आके हमें कंबल दे जाते हैं, इसी सब प्रकार से हमारे जो कड़ाके की ठंड में हमारी जो गुजारा हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से आपको कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं फायदा? मैम सब परेशान है, इसमें यह सरकार आए तब से सब परेशान है। हाँ, कोई फायदा नहीं मैम, सब नंगे भूखे से रोड पे पड़े रहते हैं, ना लकड़ी की व्यवस्था ना होने मिले, ना घास कुरिया, सब नाले किनारे मैम पड़े रहते हैं, कोई व्यवस्था है नहीं। हमें समझते हैं ये सरकार बहुत बेकार है, हमें इतना कहने का रहा भाई। तो आप आइए और भी यहाँ के जो रैन बसेरा जो सड़कों पे अपना गुजारा कर रहे हैं उनसे आपको हम मिलवाते हैं और उनका जानते हैं कि किस प्रकार से वो ठंड में अपना गुजारा कर रहे हैं। देख सकते हैं रोड पे अपना एक तम्बू लगा के बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के साथ अपना गुजारा कर रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पीछे नाले हैं और वहाँ पे अपनों उन्होंने एक तम्बू लगा रखे हैं, वहाँ अपनी व्यवस्थाएँ अपने बच्चों के साथ जो भी है गुजारा कर रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से सरकार से आपको कोई अलाव या कम्बल कुछ वितरण ऐसा हुआ है इस ठंड में? कुछ नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे दादा? अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, कोई कंबल या जैसे अलाव? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं मिला, ना कंबल मिला है ना अलाव हुआ अभी। अच्छा, तो कैसे रात के रहने का कोई व्यवस्था हुआ है? भाई यही लेटते बैठते ही हैं बच्चों के साथ अपने। जी अच्छा, चलिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कुछ ऐसा सरकार की तरफ से कुछ मिला ऐसे? नहीं मैडम, अभी हमको कुछ नहीं मिला है, हम ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे। तो आप लोग ये ठंड में ये क्या जला के आप लोग इसे जला रहे हैं? कूड़ा वाला। अच्छा, ना लकड़ी का व्यवस्था है ना कुछ है। अच्छा, तो आपने देखा यहाँ के जो रैन बसेरा साफ तौर पर उनका कहना है कि यहाँ हमें सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिला है। हम लोग कतरन से लेके और चुन चुन के जो लकड़ियाँ लाते हैं जंगल से उससे अपना गुजारा कर रहे हैं और इन्हें कोई सुविधा ऐसी नहीं मिली है सरकार की तरफ से।
सरकार की तरफ से आपको कुछ रहने की व्यवस्था या अलाव की कुछ व्यवस्था या आपको कंबल कुछ व्यवस्था मिला है? कुछ नहीं मिला यहाँ पे, कुछ नहीं मिला। तो रात में आप लोग कहाँ रहते हैं, किस तरह से गुजारा करते हैं? हम लोग बस अपनी मड़ैया में हम लोग रह रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे कोई ना दाना पानी है ना कुछ, अपना छोटी सी दुकान लगाए, इसी में गुजारा चल जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही हम भी कहना चाहते, कोई व्यवस्था नहीं, बहुत परेशानी है ना, उड़ने बिछाने से लेके सब यहाँ पे हम लोग गरीब तरीके से। नहीं नहीं, कुछ नहीं, 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 कुछ नहीं। तो आपने देखा यहाँ के जो बसेरा है, रैन बसेरा, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें कोई व्यवस्था नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से नाले के जो इधर अपने एक तम्बू लगा के बैठ के अपना गुजारा कर रहे हैं, रात के समय भी यहाँ पे कड़ाके की ठंड में ये बैठे हुए हैं, अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से इन्हें कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार तरफ से किस तरह से आपकी व्यवस्था हुआ है, कुछ ऐसा लाभ या कंबल कुछ वितरण हुआ है? अभी कुछ नहीं मिला मैडम, कुछ नहीं मिला। रहने की व्यवस्था? रहने की व्यवस्था यही है बस, और क्या मैडम। अच्छा, यही सड़क पे आप? जी जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो नहीं, काम करते हैं, ये मजदूर का मजदूरी है, काम करते हैं और क्या, हिलिया चलाते हैं और क्या। कुछ आपको सरकार की तरफ से वितरण हुआ है कंबल या ऐसे अलाव की? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला अभी। अच्छा, कुछ नहीं मिला है। सरकार ने कहा था कि खाते में गरीब आदमी के लिए पैसा आएगा, मोदी कहा जाए तो पैसा किसी खाते में नहीं आया। अच्छा, कुछ आपको व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं हुआ। और हमारा खेत हमारे चचेरे भाई लिए हैं, तो उसका मुख्यमंत्री का कागज दे रहा है, उसका कोई कार्रवाई नहीं भाई। अच्छा, मतलब सरकार की तरफ से आपको ठंड में कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा? कोई व्यवस्था नहीं। तो आपने देखा यहाँ के लोगों को जो साफ तौर कहना है कि हम लोग सड़क पे अपना गुजारा कर रहे हैं और सरकार इस पे कोई हम लोग को इंतजाम नहीं कर रही है, ना हमें कोई इस कड़ाके की ठंड में हमें कोई सुविधा मिल रहा है, और हम नाले के पास अपना एक तम्बू लगा के और अपने बच्चों के साथ ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। आप लोग के लिए सरकार की तरफ से कुछ कम्बल हो गया या ये आपका अलाव या रहने की कोई व्यवस्था आप लोग को? कुछ नहीं व्यवस्था, न कम्बल मिलता है नहीं अलाव के लिए मिलता है, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। अगर कोई बटने भी आते हैं तो इधर मंदिर की तरफ का छोड़ देते हैं, तीन चार घर आगे मिल चले जाते हैं, इधर बांटने वाले भी नहीं आते हैं। अच्छा। इधर हम लोग के लिए कोई सुविधा है ही नहीं। अच्छा, रहने की व्यवस्था क्या है आप लोग की? रहने क्या है, पन्नी तान के रह रहे हैं। अच्छा। जैसे कीड़े मकोड़े जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। अच्छा, घर बना था तो डला गया, ये चौथा साल चल रहा है। तो उस पे आप लोग कुछ जाके कार्रवाई कुछ ऐसे लिखित पत्र नहीं दिया? नहीं दिया, हम लोगों ने लिखित पत्र दिया था 40 लोगों का था हम लोगों का, फिर बाद में यहाँ पे मुश्किल से 10-15 लोग रह रहे हैं हम। अच्छा। सब चले गए अपना, और हम लोग जो रह रहे हैं फुटपाथ पे पन्नी तान के रह रहे थे, आज भी उसी नाले किनारे पन्नी तान के रह रहे हैं। अच्छा। फुटपाथ पे नहीं रहने दिया, फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने नीचे पन्नी तान नहीं किया, चलो जहाँ रह रहे थे वहीं पर रह रहे हैं हम लोग। आज से नहीं रह रहे, हमारी यहाँ पैदाइश है यहीं की, 46 साल मेरी उम्र हो रही है, हमारे पापा यहीं समझे, माँ बाबा यहीं पैर हुए। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आप लोग कुछ सरकार की तरफ से कम्बल या कुछ ऐसे वितरण हुआ है अलाव अलाव के? अब कम्बल अलाव अभी तो कुछ नहीं वितरण हुआ है, क्योंकि इधर वाल कुछ नहीं आ रहा है। तो आप लोग की रहने की व्यवस्था रात में कहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है हुआ? अब ये मंदिर है बस, यहीं हम लोग रहते हैं, जब से घर टूटा हम लोग का घर टूट गया था, और 3 साल से हम लोग रोड पे ही रह रहे थे इस समय। सरकार की तरफ से कोई ऐसा आप लोग के लिए कुछ व्यवस्था नहीं हुआ 3 साल तक? कुछ नहीं हुआ, कहा गया सबको मिलेगा मकान, सबको मिलेगा, अभी तक का कोई सुनवाई नहीं है। कागज इतने जमा हुए हैं मगर अभी तक हम लोग के कागज कहाँ दूर दूर तक गए हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार कुछ सुविधा आपको सरकार की तरफ से? बेटा कोई सुविधा नहीं बेटा। अच्छा, कम्बल कैसे अलाव अलाव कुछ नहीं? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही पन्नी ताने हैं ऐसे रही। क्या कहना चाहेंगे आप, अलाव क्या मंदिर के पास क्या कह रहे थे? कह रहे थे मंदिर के पास तो अलाव होना चाहिए, हर मंदिर पे होता है। हाँ। भैया इस इधरी वाल नहीं हो रहा है। अच्छा, इस बार नहीं हो रहा है? नहीं, हर साल इस बार हर साल होता था लेकिन इधर नहीं हो रहा। अब अपने पास से है थोड़ा बहुत, अगर लकड़ी ले आते हैं तो वो जलाते हैं। तो लकड़ी आप कहाँ से लाती हैं? खरीद के लानी पड़ती है, और कहाँ से लाते हैं? खरीद के ही आती है। ऐसे लाइट बिजली कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो रैन बसेरा का कहना है कि हम अपनी जिंदगी एक कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं, ना लाइट ना व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आइए देखते हैं दादी आप क्या कहना चाहेंगे। आप नाला किनारे हम रहते हैं, बताओ हमारे छोटे छोटे इधर बच्चे हैं, ये देखो ये देखो सब है, यो तो बताओ हम कैसे जी। अब नाला किनारे रहते हैं, घर बना रहा है तो सब टूट फूट गवा रहा है, तो डरती तो हम यहाँ पे रहा था। हमारा ये बाबू यही रोड पर का जलमा ही। हाँ,
और ये क्या बोला तो ये जो है तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हमारा लड़का यह होता रोड पर सोता है, देखो यह पर सरकार की तरफ से आपको कोई कंबल कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, ना कोई कंबल ना कोई कुछ, कुछ नहीं मिला। अब बता ना नान बच्चे मार कीड़ा मकूड़न तरीके से हम जी आ रहे हैं, हम कुछ नहीं मिला, कोई कहीं हम ना हम। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सड़क पे सो रहे हैं और इन्हें कोई व्यवस्था सरकार के तरफ से नहीं मिल रहा है, ना इन्हें कंबल है, ना इन्हें रहने की व्यवस्था है। इनका कहना है कि हम अपनी ज़िंदगी जो है एक कूड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं, ना लाइट, ना बिजली, ना पानी, और सरकार भी इस पर कोई हमें सुविधा नहीं दे रही। जो हमारा घर था वो भी नगर निगम के बता रहे हैं कि नगर निगम के लोगों ने तोड़ दिया और 3 साल में इसे कोई हमें व्यवस्था नहीं मिला। अब देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सड़क पर सो रहे हैं और बिना इस कड़ाके की ठंड में जो बिना स्वेटर साल के और बिना कोई कंबल के ये घूम रहे हैं ऐसे। तो कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि योगी सरकार की जो कमियां हैं पूरी तरह से दिख रही है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से नाले के जो इधर अपना एक तंबू लगा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ना इसमें लाइट है, ना बिजली है और ना पानी है। आंटी जी, ये जो आप लोग को रैन बसेरों की व्यवस्था हुई है या अलाव की जो व्यवस्था हुआ है, जो जल अभी नहीं रहा है, तो ऐसी सरकार की तरफ से क्या क्या आपको सुविधा मिला? सरकार से सब व्यवस्था मिली है, सब कुछ मिली है जी। पर ये चीज़ गलत डली है जी। लकड़ी आती थी करीब 30-40 किलो जी। पर ये चीज़ गलत है, धुआं लगता है आँखों में, आँखें फूट जाती है, जलता नहीं है। और करीब 4 बजे मैम लकड़ी आ जाती थी, जब से डला लकड़ी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। और कंबल अम्बल ऐसा है, कोई व्यवस्था मिला आप लोग? नहीं, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ मिला। हाँ, सब कुछ। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ सर लकड़ी की चोरी हो जाती है, चोरी हो जाती हाँ। है। अच्छा, जो ये अलाव दिन दोपहर है, जल क्यों नहीं रहा है? लकड़ी है ही नहीं, जलेगी नहीं है तो फिर क्या है? ये जलती नहीं है, जलती नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार जल जाएगी? ये नहीं जल रही है। अच्छा, और क्या सरकार की तरफ से आपको व्यवस्था मिला है इस ठंड में? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो रैन बसेरे में क्या क्या व्यवस्था मिला है? कंबल गद्दा रजाई, कंबल रजाई मिला है। और ये जो अलाव मिला है वो भी नहीं जल रहा है? कहाँ जल रहा है? तो क्यों नहीं जल रहा है? इसका लकड़ी नहीं है। अच्छा, लकड़ी नहीं है ये। आप क्या कहना चाहेंगे दादा, किस तरह से व्यवस्था मिला है सरकार की तरफ से? सरकार से ना गुनी गरीब के लिए सर व्यवस्था मिला था, अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमको दिक्कत ये है, ये हम यहाँ सोते हैं, हमको दिक्कत है, कुछ अभी नहीं बताएंगे। सरकार की जो रैन बसेरे की व्यवस्था मिली है इसमें क्या क्या व्यवस्था मिला है? रैन बसेरों में सब पूरी है हाँ। बाकी कुछ व्यवस्था खराब चल रही है, रात में सोने नहीं देते हैं। अच्छा, कल रात भर नहीं सोए मैडम जी। अच्छा हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस रैन बसेरे में जो व्यवस्था मिला है क्या क्या व्यवस्था मिला आपको? कंबल और रहने की व्यवस्था क्या क्या मिला आपको? कंबल रजाई मिला है, चाय मिलती है। अच्छा, और क्या क्या व्यवस्था मिला है? यही सब है, रहने का सुविधा है जो भी होनी चाहिए। अच्छा, और अलाव जो मिला है क्यों नहीं जल रहा है? ये अब जलता था, यानी कि इस समय यही बची हुई है लकड़ी। अच्छा। तो यहाँ आती है लेकिन इस समय यही है जो भी है। अच्छा, अभी आप क्या कहना चाहेंगे? सर सुनिए, यहाँ मान लो हर चीज मिलती है, ठीक है जी। माल जो है मान लो आगे जो है लकड़ी नहीं है और इसमें सब व्यवस्था है, लेटने की बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, आराम सो बस। ये नहीं दारू पी के नहीं सो बम्पर, बात ये है बस। कोई भी आएगा यहाँ, चाय पानी भी मिलता है आप लोग? चाय सबको दीदी, सबको आपके हाथ जोड़, सबको चाय पानी सबको मिलता है। आपके हाथ जोड़ आप बहन हमारी हो, बड़ी बहन हो, आपको चाय पानी सबको जितने रहते हैं सबको चाय पानी मिलता है, सब कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से आप लोग को फुल व्यवस्था पूरा इस ठंड में मिल रहा है दीदी। सब कुछ, हर चीज चाय मिलती है बराबर, जिस टाइम चाय मिलती है। और जो है मान लो लकड़ी ये खराब है, इसकी बात कह रहा हूँ आपसे, बस यही दिक्कत है बस। अच्छा, सिर्फ अलाव की व्यवस्था सही तरीके से नहीं हुआ दीदी। बस दीदी आप सुनिए, जो व्यवस्था सही है, जैसे रहने वाले हैं वैसे मान लो ये सामान आ रहा है, रहने वाले यूज नहीं कर पा रहे, बढ़िया बस। अच्छा, ये बात है बस। तो आपने देखा यहाँ के जो लोग हैं वो साफ तौर पर रैन बसेरे में उनकी अच्छी व्यवस्था मिल रही है। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से सरकार इनको जो कंबल दे रही है, इनको रजाई दिए हुए हैं और वहाँ पे लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। और उनका साफ तौर का कहना है कि हमें हर टाइम जो हमें चाय और पानी बिस्किट जो भी है हमें सरकार की तरफ से वितरण हो रहा है। आप देख सकते हैं रजाई मिला हुआ है, इनको कंबल मिला हुआ है और सभी लोग अपना यहाँ पे देख, छोटे बच्चे भी यहाँ पे हैं जो अपना यहाँ गुजारा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार कुछ जगहों पे
अपनी व्यवस्था ये रन में सुरक्षा नहीं दिए। कुछ जगहों पे अपना पूरी जो कड़ाके की ठंड है अपनी व्यवस्था दे रही है और यहाँ पे लोग अपना जीवन यापन इस कड़ाके की ठंड में कर रहे हैं। आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि कंबल से लेके इनका जो ये कंबल है, तोशक है, गद्दा है, सब सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो योगी सरकार कर रही है। क्या सरकार की तरफ से आपको कोई व्यवस्था मिला है, अलाव का कंबल तोशक कुछ ऐसे है या? कुछ नहीं मिला है। नहीं कुछ नहीं मिला। आपका रहने का व्यवस्था कुछ ऐसा मिला है? नहीं मिला है कुछ। कुछ नहीं मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको किस कुछ कंबल या कहां से मिला? बेटो खाली जो मिला है कंबल। हमें ये कंबल मिला है और कुछ नहीं मिला है। कंबल आपको मिला है? हाँ एक मिला है। रहने की व्यवस्था कहाँ है? हम को निगम वाले भगा देते वहाँ पहुँचते हैं। भगा दिया जाता है आप लोग को? अलाव की व्यवस्था कुछ हुआ है? कुछ ना बेटा। तो आप लोग अपना जो ये जो बसेरा आप लोग सड़क पे कर रहे हैं? हाँ हम वहाँ पहुँचते हैं ना। रात के समय भी सड़क पे ही सोते हैं? हमें भगा देते हैं ना बेटा, हम वहाँ पहुँचते हैं रात के समय में बेटा। अच्छा, आप लोग सड़क पे सोते हैं रात के? हाँ बेटा हम समय रात में सड़क पे सोते हैं बेटा। अच्छा, वो जो रैन बसेरा जो सरकार की तरफ से मिला है उसमें आप लोग जाके नहीं सोते? उम्मा हम नहीं जाते हैं बाबा। जाएंगे क्यों नहीं जाते हैं? हम नहीं जाएंगे। तो क्यों आखिर क्या कारण है कि आप लोग नहीं जा रहे हैं? सुनो क्या कारण है। उसमें दारू पी के आते, अल्लू बल्लू बकते, सामान की चोरी हो जाती, तभी हम नहीं जाते हैं। तो आपने देखा इन लोगों का कहना है साफ तौर पे कि रैन बसेरा में जो सरकार हम लोग को जो व्यवस्था दिए हैं उसमें जो लोग हैं जो आम जनता है उसमें शराब पी के चले जाते हैं और उसमें महिलाओं सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए हम वो रैन बसेरे में जाकर उपयोग नहीं कर रहे हैं और हम सड़कों पे सो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इसमें पुलिस निरीक्षणों का भी कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, योगी सरकार की भी कमियाँ हैं, उसका जाँच किया जाए क्योंकि महिलाओं के लिए भी अलग से इसकी व्यवस्था किया जाए। क्योंकि जो महिलाएं हैं उनका खास तौर पर यही कहना है कि उसमें जो जो आम जनता जो लोग हैं वो उसमें शराब पी के रहते हैं रात में और हम वहां पे सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए हम रन बसेरों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यह सरकार की तरफ से आपको कोई व्यवस्था ऐसा नहीं मिला है? नहीं बेटा हमें कुछ नहीं व्यवस्था मिला है। अच्छा। हमें कोई व्यवस्था नहीं दिया है। ये अलाव कहाँ से आपको मिला है, कहाँ से लकड़ियाँ लाई? ये बेटा तो हम खरीद के लाए लकड़ी। हाँ खरीद के लाते बेटा। अच्छा आप रोज सड़क पे ही खाना बनाती हैं? हाँ हम रोज बेटा यहीं पे बनाते सड़कियों पे, हमें कोई व्यवस्था नहीं मिला है। कि जो आम जन है जो रन बसेरे हैं उनका कहना है कि हमें सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिला है और हमें सड़क पे भी जाके अगर सोते हैं तो वहाँ के जो मालिक हैं वो हमें भगा देते हैं और हमें कहीं भी व्यवस्था नहीं मिला है। वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें रन बसेरे की हमें व्यवस्था की जाए और महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की जाए क्योंकि जो यहाँ के जो पुलिस हैं वो रात को दारू पी के आते हैं और हमें यहाँ पे असुरक्षित महसूस हम करते हैं। सुधीर आप दिखाना चाहेंगे आप किस तरह से जो यहाँ पे रैन बसेरा है किस तरह से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके इन जगहों पे इन सड़कों पे सो रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ रहना कितना मुश्किल होगा। सिर्फ एक सरकार की तरफ से इनको कंबल वितरण हुआ है, ना इन्हें रहने की व्यवस्था है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो रैन बसेरा है उसमें लोग शराब पी के आते हैं, हमारे परिवार जो यहाँ पे असुरक्षित महसूस होता है तो इस असुरक्षित के वजह से वो अपने परिवार के लेकर वहाँ नहीं जा पाते हैं और इन सड़कों पे ही वो अपने परिवार के साथ गुजारा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बिना इस ठंड में स्वेटर के और बिना इस यहाँ पे अपना गुजारा कर रहे हैं और इन्हें सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिल रही है। और आइए दिखते हैं और भी जो यहाँ पे रैन बसेरे किस तरह से यहाँ सड़क पर अपना खाना बना रहे हैं और इन्हें ना कोई रहने की व्यवस्था मिली है ना कोई कंबल मिला है। सरकार की तरफ से जो रैन बसेरा जो एक मिला भी है उसमें भी लोग ऐसे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो पुरुष है वो शराब पी कर आते हैं और वो अपना यहाँ पे अपने जो उनके परिवार है उसे असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वो यहाँ पे अपना रैन बसेरे में अपनी क्या बोलना चाहेंगे आप? जब से ठंडा हो रहा तब से एक ही कम्बल मिला, हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। अच्छा। हमें लोगों थोड़ी समस्या, हम लखनपुर खीरी के रहने वाले हैं। अच्छा। थोड़ा समस्या में हम लोग पड़े हैं, कबाड़ का काम करते हैं। तो रैन बसेरे में क्यों नहीं अपने परिवार को लेकर जाते? दीदी तो ये हम कबाड़ कहाँ रख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग कबाड़ का काम करते हैं, रोज तो बेचते नहीं दीदी, रोज का 200-300 का खर्चा है, मेरे बच्चों हैं, दो बच्चे हैं, मेरी बीवी है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग अपना बीन के लकड़ी ला के आते हैं तो खाना बनाते हैं दीदी, और नहीं होती लकड़ी तो हम खरीद के बनाते हैं। अच्छा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोग जो है रैन बसेरा, वो उनका कहना है कि हम अपने से लकड़ी खरीद के ला रहे हैं और यहाँ पे अपना अलाव जला अपने बच्चों के साथ अपना जीवन यापन जो है सड़कों पे कर रहे हैं, सड़क पे खाना बना रहे हैं और इन्हें सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे वो ठंड में अपने जो परिवार के साथ अपना बचाव कर सके। और जो रैन बसेरा भी सरकार की तरफ से मिला है उसमें भी उन्हें जाने से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो पुरुष है वो दारू पी के शराब पी के आ रहे हैं और उसे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो रैन बसेरे का भी वहाँ पे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए अपने परिवार के साथ वहाँ नहीं जा सकते हैं। उनका खास तौर पर कहना है कि सरकार जो जो परिवार है उनके लिए एक अलग से रैन बसेरे का व्यवस्था तो 8-10 पुलिस वाले आए थे जी, यहाँ पे हम किसी भी तरह गुजारा कर रहे हैं, यहाँ से भी भगा रहे थे वो लोग। हाँ तो जब भगा रहे थे तो आपको पूछना चाहिए था कि हम लोग कहाँ जाके रहे रैन बसेरे की, कोई पूछा था तो कह रहे थे कि आपके पास आधार नहीं है तो आपके आप जो है ना जहाँ रहती हूँ वहाँ जाइए या तो फिर जो है ना कहीं भी जाकर रह लीजिए, यहाँ पर आपका गुजारा नहीं होगा। अच्छा हाँ, तो आपने नहीं पूछा कि आखिर हम लोग कहाँ जाके रहे? हमने बताया था, हमने साफ साफ जवाब दिया था कि ठंडी भर तो हम नहीं जाएंगे, गर्मी में भले चले जाएंगे, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। तो आप कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे मैम, आप गर्मी में जहाँ जाना है वैसे काट लेंगे कहीं भी जाके। अच्छा, तो सरकार की तरफ से पूरा व्यवस्था किया कि जो रैन बसेरे उनको व्यवस्था किया गया है तो उसमें आप लोग क्यों नहीं जाके रहते? उसमें नहीं जाने देते हैं, वहीं नशेड़ू रहते हैं, गांजा पीते हैं, अफीम पीते हैं, दारू पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हम परिवारदार इंसान हैं तो हम कैसे रह पाएंगे उसमें? पैसा भी मांगते हैं, तो आपने देखा खास तौर पे महिलाओं का सरकार की तरफ से अपील है कि सरकार जो है जो परिवार को लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं सड़कों पे उनके लिए अलग से रैन बसेरा की व्यवस्था की जाए क्योंकि महिलाओं के साफ तौर पे यही शिकायतें हैं कि वहाँ पे जो दारू शराब सिगरेट ये सब चल रहा है और वहाँ पे रहने के लिए पैसे की भी मांग करने लग रहे हैं और इसीलिए वहाँ पे अपने परिवार को लेकर हम जाके बसेरा नहीं कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए सरकार से खास तौर पे महिलाओं का अपील है कि उनको अलग से रैन व्यवस्था की व्यवस्था की जाए। उमा जी, क्या सरकार की तरफ से अलाव की व्यवस्थाएं या कुछ कंबल ऐसे वितरण हुआ है? कुछ नहीं हुआ मैडम, ना कंबल वितरण हुआ है ना अलाव के लिए कोई लकड़ी आई हुई है। जैसे कि कंबल वितरण कुछ ऐसी व्यवस्था इस ठंड में हुआ है? कुछ नहीं मिला, खाली कूड़ा जला रहे हैं। की तरफ से कुछ अलाव या कंबल ऐसे कुछ वितरण हुआ है आप लोग को? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, हम लोग अपनी तरफ से आग जला के बैठे हुए हैं। हमें मैम ठंडी तो ठीक है लेकिन सरकार की तरफ से कोई लकड़ी की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था हुआ जी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है, ना को कुछ रजाई, ना कम्बल, ना कुछ, ना राशन पानी मिलता है कि गरीब आदमी पड़े हुए रोड पे, तो कुछ तो खाने पीने का व्यवस्था होना चाहिए। ये सरकार की तरफ से आपको कोई व्यवस्था ऐसा नहीं मिला है? नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं व्यवस्था मिला। 8-10 पुलिस वाले आए थे, यहाँ पे हम किसी भी तरह गुजारा कर रहे हैं, यहाँ से भी भगा रहे थे वो लोग। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।